हाय एवरीवन, माय नेम इज शैली वर्मा और आज के मैं इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए जो कि आर्टिस्ट हैं और आप लोग एक्रेलिक पेंट्स यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ कभी कभी टेक्सचर पेंट्स भी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप मैं बताने वाली हूँ कि क्या आपको करना है। देखिए, हर एक पेंट के अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिक्स होते हैं, लेकिन आपको कभी कभी फील होता है किसी किसी कलर में से कुछ ज़्यादा ही स्मेल आती है, राइट? तो वो क्यों आते हैं और उससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सी, हर एक चीज़ जो भी बनी है वो केमिकल से बनी है, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो आपकी क्रीम हो, चाहे कोई कलर हो, ठीक है? तो आप जो पेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कुछ टॉक्सिक्स होते हैं, केमिकल्स ऑब्वियसली, है ना? तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली हम उसको रोक नहीं सकते यूज़ करने से, बट हाँ उससे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? ऑलवेज यूज़ ग्लव्स, ठीक है? आपको जब भी आप पेंट कर रहे हो, चाहे एक्रेलिक पेंट कर रहे हो, चाहे ऑयल पेंट कर रहे हो, कोई भी पेंट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, हमेशा हाथों में ग्लव्स पहनना है, ठीक है? तो आप इस तरह के, आप नॉर्मल जो भी ग्लव्स मिलते हैं आपको, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, काफी दिनों तक तो चल जाते हैं इस तरह के ग्लव्स, ठीक है? तो ये दोनों हाथों में आपको पहन लेना है, जैसे ही आपको लगता है कि आप पेंट करना स्टार्ट करने वाले हैं तो आप उसको पहन लीजिए। ओके, तो ये मैंने देखिए कितने इजीली पहन लिया है, राइट? और अब क्या करना है आपको, इस तरह का मास्क लेना है। जब आप रेजिन आर्ट कर रहे हैं तब आप यूज करेंगे, या फिर आप टेक्सचर पेंट यूज कर रहे हैं। देखिए, ये टेक्सचर आता है, इसमें से आपको जनरली स्मेल मिलेगा, कैमल का है ये, ठीक है? तो इसमें से जब भी आप इसको यूज करोगे ना, तो आपको स्मेल आती है काफी ज्यादा, या जैसो, जैसो भी कैमल का ही है। तो मैं किसी ब्रांड का कुछ मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ कि ये गलत है या सही है, बहुत अच्छे हैं यूज करना, बट ऑब्वियसली आपको जब आप यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको केयरफुल रहना है, आई एम सेइंग दिस, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक पेंटिंग करने वाली हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरा कैनवस। तो ये मैंने कैनवस यहाँ पे लगा लिया अपने इजर पर, और उससे पहले मैं जब प्रिपरेशन करती हूँ तो उसके लिए मैं इसको इजर पे रख लेती हूँ, ठीक है? कैनवस को मैंने इजर पे रख लिया। अभी क्या करना है मुझे, मैंने अपना वेंटिलेशन यानी कि अपने रूम को ओपन कर लिया। आपको आवाज आ रही होगी बाहर की, क्योंकि मैंने ओपन किया हुआ गेट, ठीक है? तो मैंने हाथों में ग्लव्स पहन लिए है, और मुझे कलर ओपन करने से पहले या फिर जो मेरा जैसो है या टेक्सचर है वो मैं यूज करूंगी, उससे पहले ही मुझे इसको वियर कर लेना है। ये बहुत ही इजीली आप वियर कर सकते हो, और ये आपको मिल जाएगा अमेज़न से बहुत इजीली, ठीक है? ये पीछे से आराम से लग जाता है, मतलब इशू नहीं आता, बट ये तभी आपको पहनना है जब आप टेक्सचर पेंट या फिर जैसो कर रहे हो, ठीक है? यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट, आपको अपना रूम वेंटिलेट करना है, ठीक है? ठीक है, अब मैं रेडी हूँ, आई हैव माई टूल्स रेडी, आई हैव माई कलर रेडी, लेट्स स्टार्ट। तो ये टेक्सचर पेंट मैं ओपन कर लेती हूँ, ये न्यू है तो मैं इसको ओपन करूंगी, ठीक है? और इसको मैं जैसे मैं यूज करना है उस तरीके से यूज करूंगी। इसमें स्केच का भी ऑलरेडी कलर लगा हुआ था, इसलिए इसमें कलर आ रहा है। काम कंप्लीट हो गया है, मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसको लगा ली है, और इसको मैं ड्राई करने के लिए रूम में नहीं रखूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैं इसको वियर मतलब उसको उतारूंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसी इसकी स्मेल मेरे पास आएगी, है ना? क्योंकि मैंने लगा लिया है इसको, तो मैं इसको क्या करूंगी, रूम के बाहर रख दूंगी, ओके?
हम इसको बाहर लेकर के जा रहे हैं। मैंने इसको बाहर रख दिया है और अब मैं रेडी हूँ। तब तक मम्मी को क्लोज कर सकते हैं और अपने ग्लव्स को मैं उतार रही हूँ और मैं अपनी मास्क को भी उतार रही हूँ बिकॉज अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये इस तरीके से निकल जाता है कभी कभी, तो ये लग भी जाता है बड़ा आराम से। ठीक है, तो आपको बस ऐसे सेट करना है, इसमें ऐसे लगाना है और इसको टर्न करना है, ट्विस्ट करना है। ठीक है, तो ये ऐसे लग जाएगा और इसको आपको टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहना है, क्योंकि अगर आपने यूज़ करी उसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं तो आपको केयरफुली उनको रीड आउट करना है और सही जो फिल्टर है वो सही जगह पे लगाना है। राइट एंड लेफ्ट का दोनों का सिस्टम होता है। ठीक है, और आपने अगर 2 मंथ्स 1 मंथ यूज़ कर लिए तो आप उसको फिल्टर को चेंज करेंगे, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ईजिली। तो आप इसको मास्क, रेजिन आर्ट मास्क कहते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके का मास्क आप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जी कि मैं बोल रही थी कॉन्टिन्यूसली तो अंदर भी भाप आ गया है। ठीक है, तो यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आप अगर आर्टिस्ट हैं या पेंटर हैं, स्प्रे पेंट यूज़ कर रहे हैं, रेजिन आर्ट यूज़ कर रहे हैं, टेक्सचर पेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मस्ट है, आपको यूज़ करना ही चाहिए। ठीक है, आप बिना इसके यूज़ करें आप काम मत करें। ठीक है, एक्रेलिक पेंट आप यूज़ करते हैं तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं नॉर्मल जो डॉक्टर मास्क आते हैं, ठीक है, वो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं N95 भी। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगा कि मास्क और ग्लव्स को और अपने अगर आप क्लोथ को चेंज कर सकते हैं, दूसरे क्लोथ पहन सकते हैं पेंटिंग करते टाइम, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, मतलब एक दो ही कलर के क्लॉथ्स आप रखें, नहीं तो सारे कपड़ों में आपके कलर्स भी लग जाएंगे। तो यस, ये मेरी टिप थी आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।